नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीएसए मिनिस्ट्रियल वैकेंसी की टाइपिंग की तैयारी करो, टाइपिंग रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको ए टू लेके जेड जो प्रोसेस होता है टाइपिंग का, कैसे आप अपनी टाइपिंग टेस्ट को पास कर सकते हो, क्या टाइपिंग टेस्ट का प्रोसेस होता है, कैसे माइनस मार्किंग होती है और कैसे आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट निकाल जाए, तो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा लास्ट ईयर क्या टाइप करवाया था सीएसए ने, वो फॉर्मेट भी आप लोगों के सामने दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किया है और कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अनिल एंड यू वाचिंग टेक अनिल YouTube चैनल। दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे जो आने वाले ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस बिना टाइम के वीडियो स्टार्ट कर ले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाइपिंग के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको आप जब टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तो आप चेक कर ले आपकी कीबोर्ड को, कि आपकी जो कीबोर्ड की कीज है काम कर रही नहीं कर रही, माउस काम कर रहा नहीं कर रहा, कैप्स लॉक है वो काम कर रहा नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कहीं कैप्स लॉक ऑन रह गया हो और आप टाइपिंग स्टार्ट कर दियो, मान लो आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना है और वो कैपिटल लेटर में जो टाइप हो चुका, तो इस चीज का ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी टाइपिंग करते समय अपनी जो एकाग्रता को बनाए रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपको आपको टाइप दिया गया A4 पेज, तो आपका पूरा फोकस आपकी टाइपिंग पे होना चाहिए। आसपास क्या शोर शराब हो रहा, उस चीजों के बारे में 10 मिनट के लिए भूल जाएं आप। ऐसा नहीं पास में उसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो मैं जाके ठीक कर दूं, आपको कुछ नहीं करना। सारी टीम आपके पीछे खड़ी रहेगी, जो भी कैंडिडेट खड़े रहेंगे वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स अगर रहेगी तो वो आपको सॉल्व करेंगे। आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, आपको बस अपना पूरा फोकस अपनी टाइपिंग के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है, काफी मिनिस्ट्रियल स्टाफ से मैं बात करके उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि सभी कैंडिडेट को ये बताना है कि मोस्टली वो एमएस ऑफिस में ही टाइप करने की कोशिश करें, कोई भी ऑनलाइन ऐप में टाइप ना करें। मान लीजिए आप अगर किसी सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहे हो तो आपको पता डिस्प्ले के सामने से होता है, बट अगर पेपर को देख के फिर टाइप करने में क्या पता वहां पे आपको प्रॉब्लम हो, तो इस चीज का ध्यान रखें। आप ओनली फॉर एमएस ऑफिस में टाइप करें, ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन है वो चूज ना करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन तभी चूज करें जब आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो स्लो है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तब आप ऑनलाइन ऐप को यूज ले सकते हो। दोस्तों जो फोर्थ नंबर जो पॉइंट है कि ये टाइपिंग किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होगी, एमएस ऑफिस में ही होगी, इसीलिए इतना हो सकता है आपसे ऑनलाइन टाइपिंग से बचना है, ऑफलाइन टाइपिंग करना है जिससे आपका टाइपिंग स्पीड इंप्रूवमेंट हो, वहां के माहौल के हिसाब से चलना है। फाइव नंबर पॉइंट है, टाइपिंग गति बढ़ाने के लिए आपको एक ही मैटर को बार बार टाइप करना, आप अपनी स्पीड को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के आप ले लीजिए, उसको टाइप करते रहिए बस। आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो, आपकी हिंदी की अच्छी स्पीड है तो हिंदी में टाइप करिए, अगर आप मान लीजिए आपकी हिंदी में अच्छी स्पीड नहीं, आप इंग्लिश में करना चाहते हो आप इंग्लिश में टाइप कीजिए। अगर रेगुलरली आप एक पैटर्न को कम से कम 3-4 बार टाइप करोगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सीएसएम में टाइपिंग पास करने के लिए जो मूल मंत्र है वो है कक्षा 3 से लेकर 8 तक की एनसीआर की इंग्लिश बुक्स है उनको एमएस वर्ड में टाइप करना। जो भी कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक जो भी एनसीआर की इंग्लिश की बुक है उनको टाइप करना, उन्हीं में से एक कोई पैटर्न आपको दे देगा उसी में से टाइप करना है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, टाइपिंग करते समय घबराए नहीं, बल्कि आप शुरुआत में आराम से टाइप करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी गलतियां कम होगी। अगर आप स्टार्टिंग में ज्यादा गलतियां कर देंगे तो आपको क्या प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और आप फिर गलतियां ज्यादा होती रहेगी, तो इस चीज का ध्यान रखें। शुरुआत आराम से करें, उसके बाद में आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, शब्द छोटे या बड़े होने पर ध्यान दें, मतलब जो भी कैपिटल या स्मॉल लेटर में जो वर्ड है उसी टाइप में आपको टाइप करना है, क्योंकि 5 की स्ट्रोक जैसे अनिल नाम है ANIL, ये 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक आपने की प्रेस करके ये 4, इसमें से अगर एक भी गलती होती है तो आपके 5 स्ट्रोक माइनस हो जाएंगे। जैसे आपने लिख दिया ऑफ, ऑफ में अगर वो आपकी जगह ए लिख दिया और ऑफ कर दिया AF कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रोक की वजह से आपके 5 स्ट्रोक माइनस में हो जाएंगे। और जो आपके 10 मिनट में मिनिमम आपको जो आपके स्ट्रोक है 1750 स्ट्रोक आपको टाइप करना है, 10 मिनट में आपको 1750 बार आपका की प्रेस करना है, तब जाके आपका 35% बनता है। आप 100 में से अगर 35% लाते हो तो आप पासिंग मार्क से करीब आप पास हो टाइपिंग। तो दोस्तों जो पहले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट में काफी सारे क्वेश्चन पूछे, उन सभी सवालों के जवाब में इस वीडियो में देने की कोशिश की है। जैसे कि आप लोगों ने पूछा है कि सर हमें उस वहां पे फॉन्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप लोगों के सामने कंप्यूटर ओपन रहेंगे ऑलरेडी, अगर कंप्यूटर पहले से ओपन है तो वहां पे ऑलरेडी पहले से ही फॉन्ट आपका सेलेक्ट रहेगा, या तो टाइम न्यू रोमन वाला या फिर हिंदी में कुर्तिदेव 010 में टाइप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अपना जो भी टाइप फॉन्ट है वो सेलेक्ट करके आप उसमें भी टाइप कर सकते हो। मोस्टली जो इंग्लिश की टाइपिंग होती है वो टाइम न्यू रोमन में ही होती है, और हिंदी की आप अपने अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की, हम अपनी जो लैंग्वेज वो चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। मान लो आपने फॉर्म भरते समय इंग्लिश सिलेक्ट की, आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो, या हिंदी सिलेक्ट किया आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो, तो ये जो आपका ऑप्शन है आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जो आपको सेंटर मिलेगा टाइपिंग सेंटर, वहां के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आप लोगों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको जाते ही पूछ लिया जाए कि आप किस में टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वहां पे आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाए, या फिर आप उनसे आप बात कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैंने हिंदी में गलती से फॉर्म भर दिया, आप मैं इंग्लिश की टाइपिंग करवा
आना चाहते हो तो वहां पे आपका ये चेंज का ऑप्शन मिल सकता है। और आप लोग काफी पूछ रहे हैं कि सर हमें हिंदी में टाइप करना चाहिए इंग्लिश में, तो ये जो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे चाहे आप हिंदी में टाइप करो चाहे इंग्लिश में टाइप करो, आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोग बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को 10 मिनट अगर मिलता है, 10 मिनट में मान लीजिए आपको A4 पेज में जो पेज दिया जाएगा उसमें जो फॉन्ट्स होते हैं, मान ले आपने टाइप कर दिए 7 मिनट के अंदर, आपके पास 3 मिनट बचे हैं, अब ये सोच रहे हो मुझे और टाइप करना चाहिए या नहीं करना है, तो आप और टाइप कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा जो आप कैसे अपना जो रिजल्ट निकाल सकते हो और CISF कैसे अपना जो रिजल्ट निकालती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो हम जान लेते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों आप अपने PC में MS Office को ओपन कर ले और आपको एक फॉर्मेट दिखाने के लिए द लॉइन एंड द माउस की स्टोरी ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ है और आपको जो फॉर्मेट दिया जाता है हूबहू वैसा ही टाइप करना है आपको। जहां अगर स्पेस दे रखा है स्पेस यूज लेना, स्टार्टिंग में व्हेन अ लॉइन वाज रेस्टिंग लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग में जो टैब दे रखा है स्पेस तो सेम आपको वैसा ही स्पेस यूज लेना है स्टार्टिंग में। और हिम के आगे जो हमारा सेकंड पैराग्राफ ओपन हो रहा है तो स्पेस देके सेकंड पैराग्राफ में भी टैब देके यहां पे ओपन करना है। और इसके बाद में हमारा जो रिजल्ट कैसे निकलता है आपको यहां पे पूरे को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए करके, तो मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं और आप ऊपर जाएंगे तो रिव्यू लिखा हुआ है, रिव्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे वर्ड काउंट लिखा हुआ है, तो इस वर्ड काउंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, इसमें लिखा है वर्ड काउंट। यहाँ पे पेज देख सकते हैं, हमारे सामने एक पेज है, वर्ड जो हमारे हैं 135 है और नॉन जो स्पेस है वो 541 है और विथ स्पेस है 674 है और जो हमारे पैराग्राफ है वो 2 है और जो लाइन है वो 9 है। रिजल्ट ऐसा निकाला जाता है, इसमें आपको 674 में 5 का भाग देना है आपको, तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा 134.8 निकलेगा। और यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ 10 स्ट्रोक मिलके 2 वर्ड बनते हैं, मतलब 5 स्ट्रोक अगर टाइप कर दे तो आपका 1 वर्ड काउंट होगा। तो आप अपने रिजल्ट को जब भी चेकआउट करें तो उसमें 5 को डिवाइड कर दे ताकि आपको अपनी स्पीड है वो पता चल जाए, मिनिमम आपकी 35 स्पीड होनी चाहिए और इस तरह आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार पूछा है कि सर CISF मिनिस्ट्रल 2022 का जो एग्जाम कब तक होगा, तो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में आपके 60% चांस है कि इसका एग्जाम हो जाएगा, या फिर उससे पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी और डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो या फिर आप मुझे Insta ID में फॉलो कर सकते हैं, मोस्टली मैं वहां पे लाइव आता रहता हूं, वहां पे आप मुझसे बात करके भी आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।